ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीस एजुकेशन एंड इन दिस पार्टिकुलर सेशन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक दैट इज सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रोइ्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम स्टील स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू खास करके जो कंप्रेशन मेंबर हम पढ़ते हैं स्टील स्ट्रक्चर में कॉम्प्रेशन मेंबर पढ़ते हैं तो वहां पर इसका यूज होता है है ना एक ऐसा टॉपिक है जो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ते हैं और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में इसको आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाता है खास करके थर्ड सेमेस्टर में ए सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ एनर्सिया है जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी पढ़ना होता है सो थर्ड सेमेस्टर का यदि स्टूडेंट हैं तो वो लोग भी इस लेक्चर को देख सकते हैं और खास करके स्टील स्ट्रक्चर का जो कंप्रेशन मेंबर में हम पढ़ाएंगे वहां पे इसका यूज करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और, और मोमेंट ऑफ इनर्सिया को एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम आप पहले जरूर सुने हैं ऐसा नहीं है कि पहली बार सुन रहे हैं इसका नाम आप पहले जरूर सुने हैं पढ़े भी होंगे है ना लेकिन देखते हैं यहाँ को जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा है ना नाम तो सुनते हैं लेकिन हम जितना इस पर फोकस करना चाहिए मतलब सही मायने में इसका अर्थ होता क्या है है ना ये हमें पता नहीं होता है एग्जाम पास करने के लिए हम लोग तो इसको मतलब पढ़ लेते हैं डेफिनेशन याद कर लेते हैं लेकिन एक्चुअल इसका मीनिंग क्या होता है क्या है? सिग्निफिकेंस है ये हम लोग आज हम लोग देखेंगे है और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे और सेंट्रोइड निकालने के लिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का क्या क्या थ्योरी दिया गया है उन सबको भी हम लोग डिस्कस करेंगे है ना सो लेट अस स्टार्ट द सेशन दिस इज द फर्स्ट लेक्चर एंड इट विल टेक टू टू थ्री लेक्चर फॉर द कंप्लीट स्टडी अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो टू टू थ्री लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे सो लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन फर्स्ट सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास किसको बोलेंगे क्या होता है सेंटर ऑफ मास शॉर्ट में इसको सीओएम एम लिख सकते हैं कहता है इट इज ए पॉइंट ध्यान से आपको फोकस करके पूरा डेफिनेशन को सुनना है कि एक्चुअली इसका मीनिंग होता क्या है ना सो इट इज ए पॉइंट क्या होता है एक पॉइंट है इन साइड और आउटसाइड द बॉडी है ना जनरली जब हम सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमेशा बॉडी के अंदर होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है है ना ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जो बॉडी के इनसाइड ही पाया जाए ये बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है अभी एग्जाम्पल से देखेंगे है ना तो पॉइंट या एक पॉइंट होता है इन और आउटसाइड इन साइड और आउटसाइड दॉडी और सिस्टम सिस्टम किससे मिलकर बनेगा सिस्टम ए नंबर ऑफ बॉडी मिलकर क्या बनाएगा सिस्टम बनाएगा है ना बॉडी क्या होगा बॉडी एक सिंगल बॉडी हो सकता है है ना सो इट इज अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड साइड द बॉडी और सिस्टम वेयर इंटायर मास वेर इंटायर मास ऑफ द बॉडी और सिस्टम जब बॉडी होगा तो बॉडी का मास होगा और सिस्टम होगा तो सिस्टम का मास होगा है ना इज एज टू बी कंसंट्रेटेड इज एजूम टू बी कंसंट्रेटेड कहता है इट इज अ पॉइंट इनसाइड और आउट द बॉडी और सिस्टम यह एक पॉइंट है बॉडी के इन और सिस्टम के इन या आउट का वेर इंटायर मास ऑफ द बॉडी पे हम क्या मानते हैं सिस्टम या बॉडी का जो टोटल मास है वो क्या होगा कंसेंट्रेटेड होगा क्या होगा कंसेंट्रेटेड होगा मतलब लाई करेगा है ना इट इज ए जूम टू बी कंसनट्रेटेड अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं जो सपोज कीजिए कि कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है या फिर स्क्वायर बॉडी है तो इस केस में तो आपका सेंट्रो मास कहाँ पे लाई करेगा बीच में लाइक करेगा है ना ये कहा लाई करेगा बीच में लाई करेगा ये क्या है सीट है ये है इस तरह से क्या है सीट है होलो होलो नहीं नहीं है 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 करेगा ये क्या ना इस तरह से एक तो इस तरह से है तो कहाइड लाई करेगा ये करेगा इस केस में कहा करेगा इन साइड लाइक करेगा है ना ये इन साइड लाइक करेगा ये क्या है रेक्टेंगुलर सीट है ये रेक्टेंगुलर सीट है है ना सपोज कीजिए कि एंगल सेक्शन ये इंटरेस्टिंग है सपोज तो कीजिए कि एंगल सेक्शन क्या है एंगल सेक्शन तो एंगल सेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास लाई करता है वो आपका आउटसाइड द बॉडी लाई करेगा कहां पे लाई करेगा आउटसाइड द बॉडी लाई करेगा आउटसाइड द बॉडी लाई करेगा आउटसाइड द बॉडी कहीं यहां पे लाई करेगा है ना कहीं मतलब ये एयर में लाई करेगा कहाँ पड़ेगा हवा में करेगा क्योंकि मटेरियल तो यहाँ पे है मटेरियल इसका कहां कि नहीं ये का हुआ रेक्टेंगुलर सीट के रेक्टेंगुलर सीट केस में क्या देखे रेक्टेंगुलर सीट केस में कहा लाइक कर रहा है इन साइड कर रहा है ना चलिए सपोज कीजिए कि सर्किल है ये क्या है सर्किल है ना सर्किल है सर्किल है ना इस तरह से एक क्या है सर्कुलर लेमिना है ना तो इस केस में देखिए मटेरियल तो यहां पे है मटेरियल तो यहां पे है इसका मटेरियल कहां पे है यहां पे है लेकिन इस केस में सेंट्रल मास कहा करेगा आउट साइड द मटेरियल है ना इनसाइड साइड द सर्किल है लेकिन मटेरियल के क्या है मटेरियल के तो बाहर है मटेरियल के बाहर है सर्किल के अंदर है लेकिन मटेरियल के क्या है बाहर है यानी सीजी क्या है इस केस में भी सेंट्रोमास क्या है बाहर लाइक कर, कर रहा है मटेरियल से बाहर लाइक कर रहा है है कि नहीं सपोज कीजिए चैनल सेक्शन ये सब भी एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यही सब हमें पढ़ना होता है सपोज कीजिए कि चैनल सेक्शन है क्या है चैनल सेक्शन तो इस केस में भी आपका जो सीजी जी लाई करेगा मतलब सेंट्रोमास जो लाई करेगा वो कहाँ पे लाई करेगा मटेरियल के बाहर लाई करेगा मटेरियल के बाहर लाई करेगा है ना संभेर यहाँ पे लाई करेगा ठीक है सेंट्रोमास मास यहाँ पे लाई करेगा तो ये तो था सेंट्रोमास की स्टोरी है ना अब देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कहता है इट इज ए पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी और सिस्टम वेयर इंटायर वेट ऑफ द बॉडी

उस उसपे क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एक्ट करना स्टार्ट करेगा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जिस पॉइंट पे लगेगा है ना उस पॉइंट को ही क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो लाई करेगा एक्ट करेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे है ना अब वो जो पॉइंट है वो बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है और बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है है ना

का, का मतलब है कि बॉडी को किस ओरिएंटेशन में रखा गया मतलब नहीं है, है इससे कोई इसका इसका तो किसी भी ओरिएंटेशन में बॉडी क्यों ना हो इससे कोई मतलब इसका नहीं है मतलब है ओरिएंटेशन से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है ओरिएंटेशन से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है यह सब स्टेटमेंट इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव सब स्टेटमेंट है जो पूछता है इट इज ए पॉइंट इन साइड और आउट साइड द बॉडी और सिस्टम रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा एक्ट करेगा फॉर एनी ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी मतलब किस ओरिएंटेशन में रखा हुआ बॉडी उससे कोई मतलब इसका नहीं है उससे उसका कोई भी मतलब नहीं है ठीक है थर्ड पॉइंट देखिए कथा पोजिशन ऑफ द सीजी ओनली डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज किस पे डिपेंड करेगा शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी नॉट ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है

अगर एंगल सेक्शन हम बनाते हैं इस केस में क्या है एंगल सेक्शन तो इस केस में आपका जो सीजी जी लाई करेगा संभेर यहां पे करेगा है ना मतलब टोटल वेट है जो यहाँ पे कंसेंट्रेटेड होगा इसका माना जाएगा कि टोटल वेट एंगल सेक्शन पे है यहाँ पे कंसेंट्रेटेड है इसको क्या बोल देंगे सीओ और सीजी शॉर्ट में सी ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जो सेंट्रॉइड है क्या है सेंट्रॉयड है हमें मेन इसी के बारे में पढ़ना है के बारे में सेंटर सेंटर ऑफ ऑफ मास और ग्रेविटी हमें नहीं पढ़ना है वो सिर्फ आपको तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है एक बेसिक डिफरेंस पता चले कि सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड में क्या डिफरेंस है इसीलिए मैं डिस्कस किया मेनली हमें क्या पढ़ना है सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ना है ना एरिया के टर्म में पढ़ना है हमें ना तो मास के टर्म में पढ़ना है और ना तो हमें वेट के टर्म में पढ़ना है हमें पढ़ना है किसके टर्म में हमें पढ़ना है एरिया के टर्म में ठीक है उसको कौन डील करेगा सेंट्रोइड डील करेगा। तो अभी देखते हैं किस पे डिपेंड करता है सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा ज्योमेट्री मीनस शेप एंड साइज अगर कोई ज्योमेट्री बोलता है उसका मतलब क्या होता है शेप एंड साइज सो सेंट्रोइड आर ज्योमेट्रिकल सेंटर्स क्या होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है विच डिपेंड्स

है ना किसका सेंट्रोइड निकालेंगे वॉल्यूम का टू डी में किसका सेंट्रोइड निकालेंगे एरिया का है ना किसका निकालेंगे एरिया का सेंट्रोइड टू डी में वन डी में किसका सेंट्रोइड निकालेंगे लेंथ वन डी में किसका निकालेंगे लेंथ का निकालेंगे है कि नहीं एक और देख लेते हैं जीरो डी भी होता है है ना जीरो डी भी बोल सकते हैं बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं जीरो डी होता क्या कहता है जीरो डी है क्या मतलब जीरो डी का मतलब क्या है कहता है जीरो डी क्या है पॉइंट है इसका एग्जाम्पल क्या होगा पॉइंट जीरो डी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है पॉइंट है कथा इट इज समथिंग हैज नथिंग ये कुछ तो है जिसके पास कुछ भी नहीं है ये कुछ तो है जिसके पास कुछ भी नहीं है नहीं यही बोलेंगे ना कथा जीरो so, कुछ है विच हैज नथिंग जिसके पास कुछ भी नहीं है जिसके पास कुछ भी नहीं है मतलब कोई डायमेंशन इसका तो होता नहीं है ठीक है तो ये तो था आपका सेंट्रोइड कितना टाइप का बोल सकते हैं मेनली थ्री टाइप्स का बोल सकते हैं है ना ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड बेसिस ऑफ कोई मतलब नहीं है, है ना? वेट नहीं है।, है ना? वेट अगे अगे ना? इसको तो किसे मतलब है इसको सिर्फ ज्योमेट्री से मतलब है, है ना ज्योमेट्री से मतलब है ठीक है कि वॉल्यूम दिया हुआ या एरिया दिया हुआ है या लेंथ दिया हुआ है उस बेसिस पे ये डिसाइड होता है इसको वेट और मास से कोई भी मतलब ये इंडिपेंडेंट है क्या है इंडिपेंडेंट है अब देखिए अब काफी यहां से एकदम फोकस होकर सुनना है है ना पूरा फोकस होकर सुनना है यहाँ पे क्या कंसिडर किए है? हैं एक रैंडम फिगर लिए क्या है रैंडम शेप का एक क्या लिए हैं फिगर लिए हैं है ना क्योंकि यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का तो हमें आता है यूनिफॉर्म अगर फिगर यूनिफॉर्म होगा मतलब जो बॉडी होगा वो यदि यूनिफॉर्म शेप का होगा तो आप इजली नि, निकाल लेंगे तो हम डिर्वेशन के लिए मान के चलते हैं कि क्या है एक रैंडम बॉडी लेयर है है ना एक रैंडम बॉडी इस तरह से हम एज्यूम कर रहे हैं ठीक है वो कहाँ पे लाइक कर रहा है वो एक्स और वाई के बीच में लाइक कर रहा है कहाँ पे लाइक कर रहा है एक्स और वाई के बीच में लाइक कर रहा है इधर कहीं जेड एक्सिस होगा इधर कहीं है जो जेड एक्सिस लाइक करेगा ठीक है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इधर कहीं जेड एक्सिस है जो लाइक करेगा एक क्या है ओरिजिन है ए ओरिजिन है ठीक है तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि जो टोटल हमारा जो टोटल टोटल एरिया है इस बॉडी का टोटल एरिया क्या है ए है है ना टोटल एरिया क्या है इस बॉडी का टोटल एरिया क्या है कैपिटल ए है टोटल एरिया क्या है कैपिटल फर्दर हम मान लेते हैं कि चुकी ये बॉडी है जो नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स का बना होगा नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स का बना होगा है ना तो ये भी हम एज्यूम करके चलते हैं कि ए है जो किसका किसका बना हुआ A है ए है टोटल एरिया तो ए हो गया ये फर्दर है जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है स्मॉल स्मॉल बॉडी का उसका एरिया क्या है एवन ए टू है एवन ए टू ए थ्री डॉट 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 कहा एन नंबर ऑफ स्मॉल एरिया का बना हुआ है ना एन नंबर ऑफ स्मॉल एरिया का बना हुआ है इस बॉडी का टोटल वेट जो है मान लेते हैं क्या है डब्लू है टोटल वेट क्या है डब्लू है है ना टोटल वेट डब्लू है और ये जो स्मॉल स्मॉल एरिया में इसको हम डिवाइड किए वो वेट है जो क्या है ठीक है टोटल मास मान लेते हैं टोटल मास क्या है एम है ना? और नंबर ऑफ बॉडी में चूंकि मास मान लेते हैं क्या है एम वन है एम टू है एम थ्री है डॉट डॉट एम एन है डॉट डॉट क्या है एम एन है ठीक है डॉट 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 क्या हो गया एम एन हो गया ठीक है अब एक बात बताइए यहाँ पे ए क्या है ए है टोटल एरिया ऑफ बॉडी टोटल एरिया ऑफ इरेगुलर बॉडी ये क्या है एक टाइप का इरेगुलर बॉडी है टोटल एरिया ऑफ बॉडी लिख देते हैं उस तरह से W क्या होगा W क्या होगा टोटल वेट टोटल वेट ऑफ द बॉडी है ना उस तरह से m क्या होगा टोटल मास टोटल मास बॉडी बहुत अच्छा फर्दर हम ये भी लिख सकते हैं अब देखिए दूसरी बात कि ये सब जो आपने एरिया कंसीडर किया है स्मॉल ऑफ स्मॉल देखिए यहाँ पे देखिए ए वन यहां पे है ए टू यहां पे है ए थ्री यहाँ पे है कहीं भी ले सकते हैं आप ए फोर यहाँ पे है ए फाइव यहाँ पे है है हाँ ना ये सबका हमें कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा इसका क्या करना पड़ेगा हमें कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा तो मान लेते हैं एंड लिख देते हैं एंड एंड दियर एंड दियर दियर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस रिस्पेक्टिव डिस्टेंस डिस्पेक्टिव डिस्टेंस कहाँ से फ्रॉम फ्रॉम द टू एक्सिस फ्रॉम द टू एक मिनट इसको मैं रफ कर देता हूं तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख चुके थे है ना क्या था लेटस कंसीडर एन इरेगुलर शेप ऑफ बॉडी हुज टोटल वेट क्या है W है टोटल मास M है एंड टोटल एरिया क्या है A है है ना है कि नहीं सो लेटे आल्सो कंसीडर दैट द गिवन एरिया A इज कम्पोज ऑफ एलिमेंटल एरिया एलिमेंटल एरिया कौन कौन सा हो जाएगा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड ए एन और उसका वेट क्या हो जाएगा डब्लू वन डब्लू टू डब्लू थ्री डब्लू एन और इसका मास क्या हो जाएगा मास क्या हो जाएगा टोटल मास हमने लिया था यह है जो फर्दर डिवाइड किया है m1 m2 डॉट 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 mn में किस में डिवाइड हुआ है mn में ठीक है एलिमेंटल एरिया कौन-कौन हो जाएगा a1 a2 a3 ये सब क्या है एलिमेंटल एरिया a1 a2 a3 क्या है एलिमेंटल एरिया a1 a2 a3 ये सब क्या है एलिमेंटल एरिया नहीं ये सब आपका एलिमेंट एरिया है कहां तक तो जाएगा ये? एन तक जाएगा एन तक जाएगा। ठीक है अब देखिए अब हम मान लेते हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू मतलब एक्स एक्सी से दूरी कितना है एक्स वन है वाई एक्सिस कितना है एक्स एक्सी से वाई वन है और वाई एक्सिस से क्या है एक्स वन है, है ना सबका कोर्डिनेट हमें लिखना पड़ेगा ठीक है वही लिख रहे हैं एंड and there and there and there their respective distance their respective distance डिस्टेंस कहा से फ्रॉम फ्रॉम द टू एक्सिस फ्रॉम द टू एक्सिस एक्सिस का प्लुरल फॉर्म क्या हो गया आपका एक्सिस ए एक्स ई एस एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस भी आ गया और वाई एक्सिस भी आ गया फ्रॉम द टू एक्सिस आर आर क्या क्या है एक्स वन एक्स टू डॉट डोट डोट क्या होगा एक्सन है ना मतलब पार्टिकल वन का जो एक्स एक्स दूरी क्या है बाई वन है और बाई एक्स से क्या है एक्स वन है, है ना एंड एंड बाय वन वाई टू बाई थ्री डोट 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 बाई एन बाई एन है कि नहीं पार्टिकल का से दूरी क्या है बाई, बाई है है ना किसी भी किसी भी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है से दूरी होता है और किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है वाई एक्स से दूरी होता है इसका मतलब यही होता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे लोअर क्लास में ठीक है तो यहाँ पे पॉइंट क्या है ए वन है यहाँ पे क्या है ए वन है है ना मतलब ए वन एलिमेंट है जिसका दूरी आपका वाई एक्स से क्या हो गया एक्स वन हो गया और एक्स एक्सिस क्या हो गया y1 वन हो गया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया एक्स वन बाई वन इस पार्टिकुलर ए वन का यदि कोऑर्डिनेट देखा जाए तो क्या हो जाएगा एक्स वन वन हो जाएगा है नहीं? सो कि नहीं तो मैंने लिखाई डॉट वाई एन है क्या है वाई एन है ठीक है अब देखिए अब एक बात बताइए साथ ही साथ क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ साथ ही साथ क्या मैं ये लिख सकता हूं ये जो टोटल एरिया है जो टोटल एरिया है क्या मैं लिख सकता हूं कि ये सब के सम के होगा? A1 प्लस ए थ्री प्लस डोट डॉट डॉट कहां तक एन के बराबर है ना नहीं टोटल एलिमेंटल एरिया को यदि हम ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा टोटल एरिया के बराबर हो जाएगा है ना आलसो ऑलसो और क्या लिख सकते हैं ये जो टोटल वेट है इसका ये किसके बराबर होगा बताइए डब्ल्यू वन डब्लू टू डब्लू थ्री डॉट 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 कहाँ तक डब्लू एन यानी सबको ऐड कर दें तो टोटल वेट के बराबर हो जाएगा उसी तरह से ये जो टोटल मास है वो क्या लिख सकते हैं एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री डॉट डॉट डोट एम एन है कि नहीं सबको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा टोटल मास के बराबर हो जाएगा ठीक है बहुत अच्छा अब देखिए अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे अब हम ब्रेग्नेंस थ्योरम लगाएंगे है ना ब्रिग्नेंस थ्योरम लगाएंगे ठीक है ब्रेगनेंस थ्योरम क्या होता है आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, में पढ़े होंगे है ना अगर नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा एक मिनट पेशेंस रखिएगा एक मिनट आपको क्या करना है पेशेंस रखना है सो नाउ So now, सबसे पहले सीओजी देख लेते हैं सबसे पहले किसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं सीओजी के बारे में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में सबसे पहले हम लोग सीओजी के बारे में जानने जा रहे हैं ठीक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में नाउ फ्रॉम फ्रॉम ब्रेगनेस नाउ अप्लाई सीधा भेगनेंस लिखते हैं वी ए बी ए आर आई जी ए नो आप लोग जानते हैं क्या ये क्या बोलता है थ्योरम अभी पता चल जाएगा एक मिनट पेशेंस रखिए बसनेंस थ्योरम और इसका एक नाम एक और नाम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, एक क्या बोलता है, एक एक है? क्या बोलता है देखिए क्या बोलता है क्योंकि इस बॉडी का टोटल वेट कहां पे लाई कर रहा है यहां पे लाई कर रहा एक है एक क्या है बॉडी का टोटल वेट है डब्लू है ना यहां पे टोटल वेट कहां पे लाई करेगा सीजी पे लाई करेगा है ना टोटल वेट कहां पे लाई करेगा सीजी पे लाई करेगा ये जो जी है वो क्या है बॉडी का क्या है सीजी है मान लेते हैं कि बॉडी का सीजी है इसका कोऑर्डिनेट क्या है इसका कोऑर्डिनेट है एक्स बार एंड बाई ना इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स बार एंड बाई बार ठीक है अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट आपका आप? एक्स बार हो गया और बाय बार हो गया ठीक है चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं चूंकि इधर नहीं लिखे थे हम लोग इसके बारे में तो यहाँ पे लिख भी देते हैं है ना आल्सो यहां पर लिख देते हैं आल्सो एक्स वार एंड वाई बार एंड वाई बार बी दी दीजी ऑफ द सेंट्रल बॉडी सी जी ऑफ सी जी ऑफ द एंटायर बॉडी

तो जेड एक्सिस के बॉर्ड उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा X होगा ठीक तो हो है, है तो अगर बेड हम लेंगे तो w X क्या लिख सकते हैं बोलता है कि जो एलिमेंटल एरिया है उसका मोमेंट को सम कर दीजिए है ना मतलब इंटू एक्स वन प्लस डब्लू टू इंटू एक्स टू प्लस W3 थ्री इंटू एक्स थ्री प्लस डॉट 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 तक जाएगा Wn into Xn. Wn into Xn. इसी को क्या बोलते हैं ब्रेगनेस थ्योरम इसको क्या बोलते हैं ब्रेगनेस थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स मतलब सम ऑफ एलिमेंटल जो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर किया है उसका सब का अगर मोमेंट निकाले और उसको सम कर दें उसको क्या कर देंगे जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा टोटल बॉडी के मोमेंट के बराबर टोटल बॉडी के मोमेंट के बराबर है ना ये क्या है डब्ल्यू इंटू एक्स वाइ टोटल बॉडी का मोमेंट है और ये सब क्या है ये सब है सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट सम ऑफ ऑफ मोमेंट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स है ना ये क्या है मोमेंट ऑफ टोटल बॉडी ये क्या है चलो मैं लिख देता हूं मोमेंट ऑफ इंटायर बॉडी इंटायर बॉडी ए क्या है ए बताइए एक क्या है ए है देखिए क्या है सम ऑफ समी को तो ब्रेगनेंस के और बोलते हैं सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ मोमेंट्स ऑफ एलिमेंट एलिमेंट जितना एलिमेंट का है बना होगा बॉडी सबका यदि सब सब पार्टिकल का यदि मोमेंट हम ऐड कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा मोमेंट ऑफ एंटायर बॉडी के बराबर हो जाएगा बहुत अच्छा अब बताइए अब बताइए कि W किसके बराबर था W तो था W1 वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू एन के बराबर था है ना? सो so, मैं लिख सकता हूं एक्स बराबर यहां से एक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ बताइए W1 वन इंटू एक्स वन प्लस डब्ल्यू टू इंटू एक्स टू प्लस डॉट 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 डब्ल्यू एन इंटू एक्स एन डिवाइडेड बेटा टोटल डब्लू टोटल डब्लू और टोटल डब्लू किसके बराबर है बताइए टोटल डब्लू तो है डब्ल्यू वन प्लस डब्लू टू प्लस डब्ल्यू थ्री डॉट 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 डब्ल्यू एन के बराबर ऊपर क्या हो जाएगा डब्ल्यू वन इंटू एक्स वन प्लस डब्ल्यू टू इंटू एक्स टू प्लस डॉट 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 डब्ल्यू एन इंटू एक्स एन ए क्या हो गया आपका एक्स बार हो गया है ना एक्स बार हो गया मतलब बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया है कि नहीं सिमिलरली इसको क्या मैं क्या मैं समेसन फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकते हैं देखिए इसको लिख सकते हैं समेसन ऑफ डब्लू आई इंटू एक्स आई डब्लू आई इंटू एक्स आई आई कहाँ से स्टार्ट होगा आईज कल टू वन से आईज कल टू एन तक जाएगा नीचे क्या होगा समेसन ऑफ डब्लू आई समेसन ऑफ डब्लू आई ठीक है इसको इंटरग्रेशन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं इंट्रीगेशन फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं है ना ये सब का यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इंट्रीगेशन मीन भी तो सम ही होता है इसको लिख सकते हैं फॉर्मेट में क्या डी डब्ल्यू बटा बीगेशन ऑफ डी डब्ल्यू है नहीं? अब एक बात बताइए जिस तरह से हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए लिखे हैं उसी तरह से सिमिलरली सिमिलरली वाई बार क्या लिख सकते हैं सिमिलरली वाई बार यदि लिखें तो क्या लिखेंगे समेशन समेशन ऑफ ऑफ लिख सकते हैं डिवाइडेड बटा समेशन ऑफ क्या डब्लू आई इसको इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी डब्ल्यू डिड बटा इंटरग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू यही लिखेंगे ना तो ये तो हो गया बाइकोनेट ये क्या हो गया बाइकोनेट बॉडी का है कि नहीं चलिए अब एक बात बताइए अब एक बात बताइए अब क्या निकालना है ये तो हो गया सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी हमें निकालना है क्या अब निकालते हैं सेकंड हम निकालते हैं सेंटर मास अब सेंटर मास देखते हैं सेंटर मास बाद में क्यों देखते हैं इसका रीजन है और रीजन अभी बता रहा हूं हमें निकालना है अब सेंटर यदि सेंट्रो मास निकालना है तो हम क्या करेंगे बताइए चूंकि क्योंकि W इंटू एक्स बार बराबर क्या लिखे हैं W1 वन इंटू एक्स वन प्लस डब्लू टू इंटू एक्स टू प्लस डॉट डोट डॉट डब्लू एन इंटू एक्स एन लिखे है ना अब एक बात बताइए वेट बराबर तो क्या होता है मास इंटू जी होता है एम इंटू जी होता है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एम इंटू जी इंटू एक्स वार इज इक्वल टू चूकी यहां पर लिख देता हूँ चूकी डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम इंटू जी मास को जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मास को जब आ, g से है जी से गुना कर देते हैं है ना जी से गुना कर देते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गुना कर देते हैं तो क्या आ जाता है वेट आ जाता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम इंटू जी इंटू एक्स बार बराबर यहां पे क्या लिखेंगे बताइए एम वन इंटू जी क्योंकि जी तो क्या होगा सेम ही रहेगा जी तो क्या होगा सेम ही रहेगा इंटू एक्स वन प्लस एम टू इंटू जी इंटू एक्स टू प्लस डॉट डोट डॉट क्या लिख सकते हैं एम एन इंटू जी इंटू एक्स एन है ना इन टू एक्स एन एक्स ठीक है एक्स एन बहुत अच्छा अब देखिए मतलब हमें मान ये हम मान के क्या चल रहे हैं प्रोवाइडेड ये तभी लिख सकते हैं ये तभी लिख सकते हैं प्रोवाइडेड जी क्या है आपका कॉन्स्टेंट है जी क्या है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट क्या मान रहे हैं कॉन्स्टेंट मान रहे हैं अब देखिए यहाँ से जी जी तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा जी आपका क्या हो जाएगा दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा नहीं जी है जो दोनों तरफ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा सब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या उसको लिखिए जो बचेगा उसको लिखिए क्या बचेगा इधर से बचेगा एम इंटू एक्स वार लेफ्ट साइड में क्या बचेगा एम इंटू एक्स वार राइट साइड में क्या बचेगा एम वन इंटू एक्स वन प्लस एम टू इंटू एक्स टू प्लस क्या बचेगा एम एन इंटू एक्स एन तो यहां से एक्स वार नहीं आ जाएगा एक्स बार क्या आ जाएगा बताइए आ जाएगा है ना और एम किसके बराबर है एम किसके बराबर है एम बराबर है एम वन प्लस एम टू प्लस डॉट 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 एम एन के सम के बराबर क्या आ रहा है एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस डॉट 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 एम एन एक्सएन एम एन एक्स एन इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं समेशन ऑफ

y कोऑर्डिनेट लिखना हो तब क्या लिख देंगे बताइए डायरेक्ट लिख देता हूं समेशन ऑफ समेशन ऑफ mi yi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi और इंटीग्रेशन फॉर्मूले में लिखना हो तो क्या लिखेंगे y dm डिवाइडेड बटा इंटीग्रेशन ऑफ dm तो ये तो क्या हो गया y कोऑर्डिनेट हो, हो गया ये क्या हो गया y कोऑर्डिनेट हो गया है ना ये क्या है dm है। dm है। ठीक है अब देखिए अब देखिए चूंकि g कांस्टेंट है g थ्रू आउट क्या है कांस्टेंट है है ना g कांस्टेंट है तो सीओ एम और सीओ जी क्या होगा कौन साइड करेगा मतलब सेम पॉइंट पे लाइक करेगा है ना सो नोट में मैं लिख देता हूं यहां पे नोट में लिख रहा हूं सिंस g सिंस इज कांस्टेंट ट है देन देन जो आपका सीओ एम होगा सेंटर ऑफ मास होगा एंड सीओ जी होगा मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो क्या होगा लाई एट सेम पॉइंट क्योंकि जी तो क्या हो गया कट गया ना लाई एट सेम पॉइंट सेम पॉइंट तो ये याद रखना है क्या होगा सेम ही पॉइंट पे लाई करेगा सेम ही पॉइंट पे क्या करेगा लाई करेगा नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन मूव टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज सेंट्रोइड है ना देखिए एक क्या है सब एक दूसरे में छिपा हुआ है है ना सेंट्रो ग्रेविटी के अंदर सेंट्रो मास छिपा हुआ था सेंट्रो मास के अंदर आपका सेंट्रॉइड छिपा हुआ है अभी देखते हैं कैसे अभी देखते हैं कैसे है ना सो नेक्स्ट है जो क्या है सेंट्रॉइड नेक्स्ट वन है सेंट्रोइड है ना सेंट्रोइड तो सबसे पहले सेंट्रोइड 3D के लिए देखते हैं मतलब फर्स्ट क्या देखेंगे फर्स्ट देखेंगे सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम यहां पे मैं लिखता हूं इसको सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम सबसे पहले सबसे पहला देखेंगे सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम 3D में सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम इसको लिखते हैं सीओ भी क्या लिखते हैं शॉर्ट में सीओ भी सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम तो सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम कैसे होगा आप देखिए चूंकि अभी हमने देखा था कि एम केयरफुली देखना एम इंटू एक्स बार जो होता है वो होता है एम x1 इंटू एक्स वन प्लस एम टू इंटू एक्स टू प्लस डॉट 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 एम

इंटू रो चूंकि डेंसिटी क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा थ्रू डेंसिटी क्या मान रहे हैं मार रहे हैं है ना तो भी इंटू रो इंटू एक्स वन प्लस वी टू टू रो एक्स प्लस डॉट 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 वी एन इंटू रो इंटू एक्स एन इंटू एक्स एन है ना एक्स एन अब क्या होगा वी है जो कॉन्स्टेंट है v मतलब प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड क्या माने है प्रोवाइडेड जो रो है क्या है थ्रू आउट कांस्टेंट है और जब रो कांस्टेंट है तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा डेंसिटी कट जाएगा दोनों तरफ डेंसिटी क्या हो जाएगा कट जाएगा है कि नहीं दोनों तरफ डेंसिटी क्या हो जाएगा कट जाएगा इस रो से इस रो ये सारा रो ये सब क्या हो जाएगा कट जाएगा क्या बचेगा क्या बचेगा, बचेगा? बताइए जो बचेगा उसको लिखना है इधर बचेगा v इंटू एक्स वार इधर क्या बचेगा v इंटू एक्स वार इधर क्या बचेगा तो यहां से x बार क्या हो जाएगा मतलब वॉल्यूम का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा वॉल्यूम का सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम का x कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए प्लस वी टू इंटू एक्स टू डॉट 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 डिवाइडेड बटा टोटल वॉल्यूम टोटल टोटल वॉल्यूम को क्या लिख देंगे थ्री डॉट 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 भी एन इसको मैं क्या लिख सकता हूं समेशन फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं पोस्ट लिख सकते हैं समेशन ऑफ वी आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बटा डिडेड बटा वी आई वी आई ठीक है बहुत अच्छा वी आई इंटीग्रेशन फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं बताइए इंटीग्रेशन फॉर्मूले में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी भी सिमिलरली जिस तरह से वॉल्यूम का एक्स कोऑर्डिनेट निकाले हैं मतलब सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम का एक्स कोऑर्डिनेट निकाले हैं उस तरह से वाई कोऑर्डिनेट भी तो निकाल सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा समेशन ऑफ समेशन ऑफ वी आई इंटू वाई आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वी आई अगर इंटीग्रेशन फॉर्मेट में लिखना हो तो अब क्या लिखेंगे समेशन ऑफ मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी भी डिवाइडेड बाय डी भी बहुत सिंपल है घड़े बटा डी भी ठीक है अब बताइए ये तो हो गया किसका सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया भी निकाल सकते हैं सेंट्रॉइड ऑफ एरिया भी निकाल सकते हैं तो नेक्स्ट सेकेंड यही हमारा सबसे ज़्यादा काम का चीज़ है है ना इसी को हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे सेकेंड वन सेकेंड क्या होगा सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड ऑफ एरिया सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम में ही सेंट्रॉइड ऑफ एरिया छिपा हुआ है वो कैसे वो कैसे वही रहस्य हमें जानना है देखिए सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ठीक है तो चूंकि चूंकि भी इंटू एक्स बार बराबर क्या लिखे थे हम लोग भी सब एक दूसरे से रिलेटेड है भी वन इंटू एक्स वन प्लस भी टू इंटू एक्स टू प्लस डॉट 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 भी एन अभी तो पढ़े थे है ना अब देखिए अब देखिए वॉल्यूम को हम क्या लिखने जा रहे हैं वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस हम मान लेते हैं कि जो हमारा टी है थिकनेस है इसका जो थिकनेस है कोई भी एरिया का थ्रू आउट क्या है कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट क्या है कॉन्स्टेंट है है ना तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस एरिया टोटल एरिया ए थिकनेस टी है कि नहीं इंटू एक्स बार बराबर बराबर ए तो क्या था ए वन इंटू थिकनेस तो थ्रू आउट सेम है थिकनेस तो क्या है सेम है उसमें जितना इसमें जितना भी एलिमेंट स्मॉल स्मॉल एरिया स्मॉल स्मॉल एलिमेंट हम काट ले थिकनेस तो सबका क्या होगा सेम होगा ना थिकनेस सबका क्या होगा सेम होगा तो क्या लिख सकते हैं a इंटू टी इंटू एक्स वन प्लस ए टू इंटू टी इंटू एक्स टू प्लस डॉट 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 ए एन इंटू टी इंटू एक्सेंट क्या बात है तो टी तो दोनों तरफ से कट जाएगा टी दोनों तरफ से क्या हो जाएगा कट जाएगा इससे एक कट गया इधर दोनों तरफ क्या हो जाएगा टी कट जाएगा क्या बचेगा जो बचेगा उसको आप लिख दीजिए है ना इधर बचेगा ए इनटू एक्स बार इधर क्या बचेगा ए वन इनटू एक्स वन प्लस ए टू इनटू �

डॉट 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 एन है ना चूंकि ए है जो नीचे आएगा टोटल ए किसके बराबर है समेशन ऑफ ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट एन के बराबर है बहुत अच्छा तो क्या मैं इसको समेशन फॉर्मेट में लिख सकता हूँ और पोस्ट लिख सकते हैं क्या लिखेंगे कहा तक जाएगा एन तक जाएगा तो क्या फॉर्मूले में लिख सकते हैं है ना यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा प्रोवाइडेड टी कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड हमें मान के चले हैं कि टी है जो क्या है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है क्या बात है है ना इंटीग्रेशन फॉर्मूले में लिखना हो तो क्या लिखेंगे बताइए एक्स इंटू डी ए क्या लिखेंगे एक्स इंटू डी एड डीए है ना डिवाइड बटा डी ए उसी तरह से बाई कोनेट को क्या लिखेंगे बाई कोनेट को क्या लिखेंगे समेशन ऑफ ए आई इंटू वाई आई डिवाइडेड बटा ए आई और क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी ए डिवाइडेड बटा डी ए क्या बात है तो ये तो हो गया एरिया ये तो हो गया एरिया लास्ट क्या बचा लास्ट क्या बचा लास्ट बचा, बचा आपका लेंथ का क्या हो जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ लाइन नेक्स्ट वन लास्ट लास्ट क्या हो जाएगा थर्ड सेंट्रॉइड ऑफ लाइन एरिया का भी निकाल लिए वॉल्यूम का भी निकाल लिए एक बचा सेंट्रॉइड ऑफ लाइन इसको बोलते हैं कोल कोल नॉट लोल क्या है कोल है ना कोल सी ओ एल सेंट्रॉइड ऑफ लाइन ये कैसे निकालेंगे बताइए है ना अब देखिए, अब देखिए सेंट्रोइड ऑफ लाइन में क्या होगा एक लाइन यहां पे लिख सकते हैं नोट में क्या लिख सकते हैं बताइए नोट में लिख सकते हैं इफ टी इज कांस्टेंट यदि टी कांस्टेंट होगा देन सीओ भी एंड सीओ ए लाई एट दि सेम पॉइंट लाई एट सेम पॉइंट अगर दी कांस्टेंट है तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया और सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम दोनों एक ही लाइन एक ही पॉइंट पे क्या करेगा लाई करेगा एक ही पॉइंट पे लाई करेगा बहुत अच्छा अब देखिए सो so, इसका ड्रवेशन है जो आपका किसमें छुपा हुआ है सेंट्रॉइड ऑफ एरिया में छुपा हुआ है, है ना चूंकि ए इंटू एक्स बार बराबर अभी हम लोग लिखे थे ए वन इंटू एक्स वन प्लस ए टू इंटू एक्स टू प्लस डॉट 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 एन इंटू एक्स एन एन इंटू एक्स एन ठीक है अब एक बात बताइए एरिया को क्या लिख सकते हैं लेंथ ले है ना चूंकि स्मॉल स्मॉल क्या है एलिमेंट का बना हुआ है और सब एलिमेंट का क्या है विथ है जो कॉन्स्टेंट है सब एलिमेंट का क्या है विथ है जो कॉन्स्टेंट है तो इस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं बताइए लिख सकता हूं एल इंटू बी इंटू एक्स वन बराबर एल वन इंटू बी इंटू एक्स वन प्लस एल टू इंटू बी इंटू एक्स टू प्लस डॉट 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 कहां तक तो जाएगा एल एन इंटू बी इंटू एक्सेन एक्सेन क्या माने हैं प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड क्या है आपका जितना भी एलिमेंट आपने किया है सबका प्रोसेल एरिया क्या है सेम है B क्या है कांस्टेंट है सो so, जब बी कांस्टेंट है तो दोनों तरफ से बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इधर से भी गया इधर से भी गया इधर से भी गया यहां से भी गया क्या बचा कटने के बाद क्या बचा, बचा बताइए कटने के बाद यहाँ पर जो बचा l into x बार बचा इधर क्या बचा l1 into x1 बचा plus l2 into x2 बचा प्लस डॉट 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 l n into x n बचा क्या बात है तो यहाँ से x बार क्या हो जाएगा निकल जाएगा क्या आ जाएगा l1 into x1 plus l2

डीएल स्मॉल एलिमेंट का लेंथ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल सिमिलरली सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते, हैं, का y निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन फॉर्मे वाई इंटू डी एल ऑफ़ क्या, DL, क्या? DL. है नहीं? सिंपल है बहुत सिंपल है चलिए अब देखिए इफ एक नोट लिख लीजिए एक नोट लिख लीजिए क्या क्या होने वाला समझ में आएंगे होगा आपको इफ बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट देन देन आपका जो सीओए ए होगा वो क्या होगा सीओए ए एंड सीओएल एल सीओ एल है ना सेंटर पॉइंट ऑफ लाइन लाई एट सेम पॉइंट लाई एट सेम पॉइंट सेम पॉइंट है ना लाई एट सेम पॉइंट चलिए बहुत अच्छा तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चन करेंगे है ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे इस पर क्वेश्चन करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको क्या करना ए नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो इस पे हम लोग करना है ठीक है तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं नेक्स्ट क्लास में इस इसपे हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे जितना हमें यूज होना है है ना सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे सेशन आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट जय हिंद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में है ना नेक्स्ट क्लास वो फुल्ली क्या होगा आपका प्रॉब्लम बेस्ड होगा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया